ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि वैष्णव हरि नाम करते, कथा सुनते, भगवान की सेवा करते, देवताओं को इस सुख प्राप्त नहीं। ब्राह्मण जो भगवान का मुख माना गया, भगवान को अतिशय प्रिय है, ये श्रेष्ठ कुल के लोग और क्षत्रिय या राज परिवार या कोई बड़ा अधिकारी, ऐसे लोग जब धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, धार्मिक नियम मतलब न गीता पढ़ते, न भागवत पढ़ते, न रामायण पढ़ते, न नाम जप करते, इसके विपरीत चार प्रकार के पाप करते रहते, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, झूठ बोलना, ठगना, अनेक प्रकार के, इन सब को वहाँ फेंक दिया जाता है। क्या कह रहे थे? फेंक देते उसमें, वहाँ पे भयंकर भयंकर जल के जीव है, जैसे बड़े भयंकर घड़ियाल, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े डायनासोर, बड़े बड़े जो पानी के घोड़े रहते, वो एक ही बार में खा लेते उनको चरा चरा के। और अगर बच भी गए तो इनको क्या खाना पड़ता है? जो वहां है मलमूत्र वगैरह गंदे चीज, सोचिए क्या दुर्दशा है जीव का। फिर भी हम लोग जनिया सुनिया विषय गान सुन के भी हम लोग विष खा रहे हैं, हम लोग नरकगामी बन रहे हैं। ये बड़ा बहुत ही दुखदायी है, ये मंद बुद्धि होने का सबसे बड़ा पहचान है। तो इस प्रकार के काम से, इस प्रकार के कृत्य से, इस प्रकार के धार्मिक नियमों का नहीं पालन करने से हम लोगों का दशा होता है। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि हर हाल में हमें धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक है कि धर्म विहीन कर पशु समाना। क्या श्लोक है? धर्म विहीन कर पशु समाना। जो धर्म नहीं पालते वो नर मतलब वो जीव, वो नर और नारी, स्त्री और पुरुष, वो जीवात्मा, वो इंसान, वो मनुष्य, वो कोई भी हो, कैसा है? पशु के समान है, जानवर के समान है। जानवर को तो बुद्धि नहीं है, जानवर से भी गया गुजरा है। तो धर्म ही नहीं होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और पक्का धार्मिक होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को तिलक, शिखा, कंठी, झोली, माला, जप, नियम से मंदिर,
देखिए इस बार चैतन्य महाप्रभु ने कितना आसान किया है, भाई ये सबसे बचो, चुपचाप घर में बैठो, एक माला लो, माला नहीं भी है अगर अभी तक नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हाथ के उंगली पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना मात्र करके इन सब से बचा जा सकता है और इस सब बुरी आदतें छोड़ी जा सकती है और इस सब दुख से हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं, हमारा दिव्य स्थिति हो सकता है, हम वहां न जाके वहां चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने किया वो वैकुंठ गए, अरे 5 साल का ध्रुव चला गया वैकुंठ, ध्रुव तारा है उसका, है ना, ध्रुव लोग है, आज भी दिन की माता है, रोज लोग देखते उसका दर्शन करते भक्त लोग। तो इस प्रकार से बुद्धिमान जीव इन वृत्तियों को, आदतों को, इन मन के विकारों को, कमजोरियों को, इस लत को तुरंत छोड़ देना चाहिए और निरंतर भगवान का नाम जप शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगता है कि 2-3 सेकंड के लिए बांद्रा में वो जो खाई है ना, बांद्रा की खाई गटर की, 2-3 सेकंड ट्रेन गुजर जाती है ना, 5 सेकंड मैक्सिमम, क्योंकि छोटी है, 5 सेकंड का टाइम, लेकिन उतने देर में दम घुट जाता है, नाक ढकना पड़ता है, मुंह बंद करना पड़ता है, इतना गंदा बास बदबू आता है उसमें। अगर जीव को उसी में डाला जाता है, वही आहार हो गया, वही खाना पड़ता है, उसका दशा तो सोचिए, कल्पना तो करके देखिए, थोड़ा उसमें जाइए तो सही, एक ही दिन में सब छूट जाए, ऐसा कोई समझदार जीव रहेंगे तो। एक ही बोले भैया जो हो गए भूल से, नहीं मालूम था गलती, आज ही भगवान को हाथ जोड़ेगा और माला लेके शुरू नाथनाथ को जब शुरू कर देगा। इस कथा की अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने माला लिया जप करने के लिए, बहुत सारे भक्तों ने जप करने के लिए झोली और माला लिया है, हरी बोल। तो कितने लोगों ने लिया, जरा हाथ उठाएंगे, देखिए अभी कितने उपस्थित है जिन्होंने माला लिया पिछले 5-6 दिन में, हाथ पूरा उठाइए, हरी बोल हरी बोल। तो आप सबका बड़ा स्वागत, आप सबके लिए एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, इसलिए कि आपका ये जो अनुष्ठान है, जो आपने संकल्प किया है वो गहरा हो, जीवन आपका जीवन भर ये गहराई और कैसे चलता रहे, इस प्रकार से कि इससे ऊंचा कोई कर्म नहीं, ऐसे भाव से भगवान के चरणों में एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम सबको वैष्णव बनाने के लिए, सभी लोग वैष्णव बनने के अधिकारी है भगवान कहते हैं, सभी लोग ब्राह्मण बनने के अधिकारी है भगवान कहते हैं, भगवत जी कहते हैं, जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता, सिर्फ कर्म करके भी ब्राह्मण होते हैं, कर्म और गुण के आधार पे वैष्णव और ब्राह्मण सभी जीव बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कर्म और गुण के आधार पे सभी जीव ब्राह्मण और वैष्णव बन सकते हैं, तो बनना चाहेंगे कि नहीं, इससे बड़ा उपलब्धि नहीं कि कोई नित्य गुण का भी जीव वैष्णव और ब्राह्मण बन जाए, इसलिए हमने बोर्ड में लिखा कि हम सबका गोत्र क्या है, हमने लिखा बोर्ड में क्या, हम सबका गोत्र कृष्ण राम और आनंद है, पर हमारा कौन है गोत्र, कृष्ण राम मतलब भगवान और आनंद भी भगवान है, राम जी का अर्थ आनंद है, तो हम सबका गोत्र क्या है, हम सभी का, आप सभी का क्या है गोत्र, कृष्ण राम और आनंद,
अच्युत से बोल सकते, भगवान का एक नाम है। और हम सब की जाति क्या है, हम सब की जाति क्या है, तो हमने यहाँ लिखा प्रेम, सभी जीव से प्रेम करो। दूसरा पवित्रता, शुद्ध पवित्र रहो। तीसरा सरलता, सरल रहो। और चौथा क्या है, उत्सव। लेकिन ये सब छोड़ के हम सब की जातियां है, उत्सव मनाते रहो। हम उत्सव नहीं मनाते, घर में किसी को बुलाते हैं कि उत्सव क्या मनाए, आता उसको चाय पानी पूछते रहे, घर ही देखते हैं भाई आप कितना देर रुकेंगे, मुझे तो ऑफिस जाना है, आप कितना देर रुकेंगे, मुझे तो कपड़ा डालना हूँ बाथरूम में धोने का है, अतिथि छाती पीट लेता है किसके घर में आया होगा अतिथि, जो बिना अतिथि का है वो अतिथि भगवान का दूत रहता है, भगवान भेजते हैं उसको, उसका सब कुछ छोड़ के स्वागत करना चाहिए। और ये सिखाया किसने, भागवतम में शिक्षा दी गई। जब महाभारत, महाभारत सब लोग ने देखा ना, भगवान गए विदुर के घर में, विदुर पत्नी को मालूम नहीं था कि अभी अभी भगवान आ जाएंगे, नहा रही थी वो, स्नान कर रही थी, ऐसे ही आ गए भगवान के पास। इस प्रकार से शिक्षा दी गई कि अतिथि का स्वागत सब कुछ भूल के करना चाहिए। क्या खिला रहे भूल गए, क्या देने का चीज दे रही है फेंक रही है, नहीं देने का चीज खिला रही। तो अतिथि सेवा बहुत ऊंचे तरीके से होना चाहिए। तो ऊंचे कुल में जो लोग जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर उन्होंने पाप वृत्ति लगे तो त्याग देना चाहिए। और जो निम्न कुल में है उनको तो हर हाल में त्याग के ऊंचा उठने का एक अवसर मिला भागवत कथा सुन के, भगवान की कृपा के कारण, तो हमें इनको त्याग के निरंतर भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम चिंतामणि ग्रंथ में लिखा गया है कि हर जीव का परम कर्तव्य यह है कि वो अपने आप को वैष्णव बनाए। क्या लिखा गया, हर एक जीव का परम कर्तव्य क्या है, वो अपने आप को वैष्णव बनाए, समझ गए क्या। लेकिन हम लोग तो अनेक अनेक प्रकार से बटे हुए, क्या वैष्णव बने, मुंह रुकता नहीं, मन मानता नहीं, जीवा एकदम लोलुपस्थ है, लालची जीवा है, आदतें बुरी है, अनेक प्रकार से दूषित हो चुके, वैष्णव बनना असंभव लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कुछ पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ का विस्तार करूँगा। एक नरक है जिसका नाम है प्राण रोध नरक। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य, ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य, ये तीनों को शास्त्र ऊंचा मानते हैं, इनको किनको, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वैष्णव इन सबसे ऊपर है। वैष्णव क्योंकि विष्णु का महान भक्त होता है, जगन्नाथ कृष्ण का, तो ये सबसे ऊपर है, तो हमें वैष्णव बनना चाहिए। क्योंकि वैश्य कुत्ते गधे तथा खच्चर पालता है और जंगल में शिकार करता है और उनको ही मार करके खा लेता है, तो मृत्यु के बाद उसे प्राण रोध नरक में डाला जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं और शौक के लिए, अपने शौक के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मंद बुद्धि के कारण उसको ही पालते हैं, उनको ही मार के जंगल में शिकार करके खा लेते हैं। तो ऐसे लोग प्राण रोध नरक में जाते हैं और वहां पे क्या होता है, वहां पे ठीक वही जंगली जानवर लोग इनको मिलते उस नरक में,
वही मिलते हैं और इनको फिर वो लोग नोच नोच के खाते जिनको इन्होंने मार मार के खाया था और बहुत ही खतरनाक स्थिति रहता है। तो इस प्रकार से हमें इन सब वृत्तियों से बचना चाहिए। उसके आगे कहते हैं वही ससंग नरक, जो पुरुष इस जन्म में अपने विख्यात पद पदवी पर गर्व करता है और केवल प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वह ससंग नरक में डाल दिया जाता है। आप सबने देखा है बलि की परंपरा है ना, बड़े बड़े अनुष्ठान होते उसमें बलि दी जाती है। कहते ये सब भी बलि की जो परंपरा है वो ठीक नहीं, उनको वह ससंग नरक में डाला जाता है तो बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। द्रौपदी यहाँ पे खुद लिखते द्रौपदी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के, कलकत्ता में द्रौपदी हावड़ा जो ब्रिज है वहां से 10 मिनट में उनका घर है। आज भी हावड़ा ब्रिज से 10 मिनट में द्रौपदी का घर है। तो द्रौपदी लिखते है कि कालीघट में जो मंदिर है काली जी का, वहां रोज अनेकों बलि दी जाती है, अनेकों इतने बलि की परंपरा हो गई कि अब वहां पे बलि की जो दी गई जो जीव है उनका दुकान खुल गया। तो इस प्रकार के जो वृत्ति कृत है वो नरक गामी बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सब में से बहुत लोग कालीघट मंदिर गए होंगे और बलि वहां सामने दिया जाता है, देखा भी होगा, देखा है आप लोगों ने। तो ये नरक गामी बनने का उपाय है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है अभी चिमत नरक, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। अभी चिमत नरक, इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है व्यापार करने में अथवा दान देते समय, व्यापार करते समय अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे पापी व्यक्ति को 800 मील ऊंचे पर्वत से फेंका जाता है मुंह के बल, जहां पर सीधे नीचे पत्थर पर उसका मुंह टकराता है और चकरा चूर हो जाता है, हजारों टुकड़े हो जाते हैं और उसे भयंकर यातना होती है और ऐसा उसको बार बार किया जाता है। किसको? जो लोग झूठ बोलते, झूठी गवाही देते जाते। दूसरा, जो व्यापार में शास्त्रों के हिसाब से मुनाफा नहीं कमाते। शास्त्र कहता है कि मुनाफा कितना कमाना चाहिए व्यापार में, जितना दाल में नमक डालते हैं। झूठ बोलने वाले, व्यापार में ज्यादा मुनाफा कमाने वाले और दान देते समय या लेते समय जो झूठ बोलते हैं वो कहां जाएंगे? अभी चिमत नरक में जाएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो आपने झूठ बोला है उससे कोई दुखी हुआ है, जो आपने दुखी करके जमा किया है वो उससे कभी भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, और जो आपने दान के लिए पैसे दिए हैं और वो अगर पैसे आपने दान में नहीं लगाए तो भगवान कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते, आप यमराज के दूत के शिकार होंगे। तो उसको ऊंचा पहाड़ में ले जाते हैं 800 मील ऊंचा और वहां से नीचे फेंकते हैं, सीधा मुंह के बल गिराते हैं नीचे, पूरा मुंह फट जाता है 800 माइल, एक एक टुकड़ा हो जाता है, प्राण निकलता नहीं, ऐसे अनेक बार करते हैं। तो ये सब तो भयंकर पीड़ा है भगवान हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों में सुधार और हमें ऊंचा उठाने के लिए सब शिक्षा जो परम ज्ञान है हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कलयुग के जीव कैसे हैं इसको सच नहीं मानते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, आप मानो या ना मानो प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, उसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं, ऐसे ही होगा।
और भुगतना ही पड़ेगा। तो सतर्क रहना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, ना झूठी गवाही देना चाहिए, ना व्यापार में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहिए। व्यापार में मुनाफा इतना कमाना चाहिए जिससे उनका घर परिवार चले, साधु संत की सेवा हो, तीर्थ यात्रा धाम हो, सत्संग में कोई दान धर्म कर सके, बस इतना मुनाफा काफी होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे जो नरक के बंधन है वो है अयम पान नरक। क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी मदपान मतलब नशा, जो ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी मदपान नशा करता है उसे अपराध के दूत ये पान नरक नामक नरक में डाल देते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान श्राप नशा करता है तो उसे भी यह पान नरक में डाल दिया जाता है। इस नरक में हम दूत उसके छाती में चढ़कर उसके मुंह में पिघला हुआ लोहा उड़ेलते डालते हैं। परिणाम तो उसे भयंकर पीड़ा होता है, तड़पता है, छटपटाता है, लेकिन यमराज के दूत बार बार ये क्रिया करते रहते हैं। वह मरना संद हो जाता है, बेहोश हो जाता है। नशा एवं मदपान करने वालों को इसी प्रकार काल की यातना सहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को और ब्राह्मण को नशा करने से बचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे कि कोई भी जो ऊंचे कुल में जन्मा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उसको नशा नहीं करना चाहिए। और एक बार बार कहा जा रहा है, चार प्रकार के पाप होते हैं, उसमें नशा एक पाप है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अय पान नरक में डालते हैं और वहाँ क्या सजा मिलती है, पिघला हुआ लोहा यमराज के दूत उसको पटक देते, छाती पे चढ़ जाते, बैठ जाते, दो मिनट तो उसका मुंह खोल देते पूरा, ऐसे चीर देते जबरदस्ती, और गरम गरम लोहा डालते। अंदर का सब जितना ऑर्गन है, लीवर फेफड़ा हृदय जितना भी चीज है, आंख अत्रिया सब पिघल जाता है और वो तड़पता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन क्रिया बार बार की जाती है। कभी मूर्छित होता है, कभी बेहोश होता है, तड़पता है, छटपटाता है, लेकिन ये क्रिया निरंतर चलते रहती है। तो नशा करना भयंकर पाप है, हमें नर्क जाना पड़ेगा, नशा करने से बचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं कि यम लोक, एक नरक का नाम है यम लोक, जहाँ यमराज महाराज रहते हैं। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव भद्रकाली को नरवलि चढ़ाकर उनका मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक ले जाया जाता है। वहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके उन्हें अपनी तेज तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नर भक्षकों ने नाचते गाते उनके शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने बद्ध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते। जब उनका शरीर छूटता है तो उनको यही हम लोग नरक में डालते हैं उनको, और क्या करते हैं, जिनका इन्होंने बद्ध किया था, बलि किया था, उनके हाथ में तेज तलवार होते, उनके टुकड़े टुकड़े करके अब वो लोग उनका मांस और रक्तपान करते और बहुत भयंकर यातना देते हैं। तो जो कोई भी इस घटिया निम्न स्तर का काम में लगा हुआ है या लगे हुए हैं, तंत्र मंत्र सिद्धियां नर बलि देना,
ये बड़ा भयंकर कुकर्म है, बड़ा भयंकर अपराध है, बहुत भयंकर कृत्य है, नरक जाना पड़ता है। तो ऐसे काम से, ऐसे वृत्ति से, ऐसे सोच से बचना चाहिए और निरंतर हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं कि दंत दंत सुख नरक है, दंत सुख नरक। जो पुरुष इस जीवन में सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले तथा अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंत सुख नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। राजन, इस नरक में 5 और 7 फन वाले सर्प रहते हैं, जो इन 5 और 7 जो इन पाप आत्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खा जाते हैं। राजन, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नर की कथा उनके पूछने पे सुना रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे सुखदेव गोस्वामी, राजन ये जो पुरुष लोग हैं जो सर्पों के समान क्रोधित होते, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग रहते ना, बात बात पे गुस्सा होते, भाईसा रहता, झगड़ा कर लेंगे, मारा मारी कर लेंगे, गाली गलौज कर लेंगे, एकदम नरक वाली स्थिति बना देते, और उनका स्वभाव इतना क्रोधी रहता है कि दूसरे जीवों को भयंकर पीड़ा पहुंचाते हैं। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।